नेशनल पुलिस एकेडमी में जेरे तरबियत एएसपीज की सेफ सिटीज अथॉरिटी में 2 रोज़ा तरबियत मुकम्मल हो गई। 49वें कॉमन के 34 एएसपीज को जदीद पॉलिसिंग बारे तरबियत दी गई। तफसीलात उमर बख्त की खसूसी रिपोर्ट में। नेशनल पुलिस एकेडमी में ज़ेर तरबियत 49वें कॉमन के 34 एएसपीज की जदीद पुलिसिंग बारे सेफ सिटीज़ में 2 रोज़ा तरबियत मुकम्मल हो गई। ज़ेर तरबियत एएसपीज को एमडी सेफ सिटी मोहम्मद कामरान खान ने डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस, एलटी एडवांस हैंडसेट, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और तफ्तीश के अमल बारे ब्रीफिंग दी। ज़ेर तरबियत अफसरान को सेफ सिटीज़ के मुख्तलिफ शोबा जात और उनमें ज़ेर इस्तेमाल जदीद सॉफ्टवेयर का अमली तौर पर तआरुफ भी करवाया गया। एमडी सेफ सिटी मोहम्मद कामरान खान के मुताबिक सेफ सिटीज अथॉरिटी में जदीद तरीके तफ्तीश की तरबियत जराइम की सरकूबी में मददगार होगी। मैं टॉप 200 हॉक्स कॉलर्स को कॉल बैक करना शुरू किया और मैं 90% से वो फॉल करके 60s में आ गया, लोअर 60s में आ गया, 62-63% पे कॉल आ गई हैं। हम उनको कुछ नहीं डराते, धमकाते, हम सिर्फ सेंसिटाइज करते हैं कि जी ये इसके नुकसान हैं। ज़ेर तरबियत अफसरान ने कहा कि सेफ सिटीज में सीखने का तजुर्बा अमली सर्विस में हमेशा मशाल रहा होगा। 21st century है, ये इरा ऑफ एडवांसमेंट है, तो सेफ सिटी जो है ना वो एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है पुलिस और पुलिसिंग के लिए। शहर हैं उनको सेफ बना रहे हैं फॉर द पब्लिक ओवरऑल, उसकी वजह से हमारी रैंकिंग भी बेहतर हो रही है, तो सेफ सिटी इस इन दिस रिगार्ड इज डूइंग एक्चुअली अ वेरी गुड जॉब। यहाँ पे ख्वातीन को एक बड़ी तादाद में नुमाइंदगी दी गई और ख्वातीन भी उसी तरह टेक्नोलॉजी का में अपना रोल प्ले कर रही हैं जैसे कि मेल काउंटर पार्ट कर रहे हैं। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की तरबियत के दौरान जहां पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अफसरान को जदीद टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पुलिसिंग और सर्विस डिलीवरी बारे आगाही मिली, वहीं अफसरान मुसम्मम इरादा रखते हैं कि वह हर सूरत मजलूम की बरवक्त इमदाद और जालिम का कला खमा करेंगे।